सो गाइस, आज की वीडियो है परफ्यूम से रिलेटेड। आज मैं आपको रिव्यू दूंगा इस कोचमैन न्यूयॉर्क परफ्यूम का कि कैसी खुशबू है इसकी और इसमें जो नोट्स हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे आपको कितने घंटे की लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन मिलता है और कौन से सीजन में और इसे आप कब और कहाँ कहाँ लगा के जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज योर सिद्धांत राउत एंड यूर वॉचिंग ऑल इन वन अड्डा। गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, ये वीडियो किसी भी तरह से पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने बहुत से परफ्यूम्स यूज किए हुए हैं और इस परफ्यूम का मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपना एक जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको इसका बॉक्स और बॉटल थोड़ा पास से दिखाता हूं। आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, सामने कोच का लोगो और इसकी ब्रांडिंग है कोच न्यूयॉर्क फॉर मेन EDT और नीचे इसका ML वगैरह लिखा हुआ है। साइड्स में कुछ भी नहीं है, पीछे इसके कुछ हल्की सी डिटेल्स लिखी हुई है और नीचे इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका ML और बारकोड वगैरह है। और इसके ऊपर जो डिटेल्स लिखी हुई है मैं आपको बॉटल दिखाते समय दिखाऊंगा, बताऊंगा। और बाकी इसके ऊपर एक हल्का सा लेदर टाइप का टेक्सचर है, लेदर नहीं है लेकिन ये कार्डबोर्ड है, लेकिन ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो अब मैं आपको इसकी बॉटल पास से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं सामने कोच का लोगो है, साइड्स में कुछ नहीं है, नीचे इसका बैच कोड और मेड इन फ्रांस वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे खूबसूरत सा टैग इसमें आपको मिलता है। और ये इसका जो एडमाइज़र है जो मैंने आपको बताया था कि इसके बॉक्स में कुछ है जो मैं आपको बताऊंगा जो उस फ्रंट में था, वो ये है कि इसे आप जब इसे टर्न करते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अब आप इसे जितना भी स्प्रे कर लें स्प्रे नहीं निकलेगा, और जब आप इसे सीधा करेंगे तो ऐसे आप स्प्रे करके स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत ही कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हैं कितना छोटा है ये, क्योंकि 40 ml है, आप बड़ा भी ले सकते हैं। और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, आप ट्रैवल फ्रेंडली है, कहीं भी लेके जा सकते हैं। और अगर हम बात करें इस ब्रांड की तो गाइस, कोच एक बहुत ही पुरानी और पॉपुलर ब्रांड है और ज़्यादातर ये हैंडबैग्स ही बनाती है। तो अब बात करते हैं इसकी खुशबू की। तो गाइस, इसकी ओपनिंग बहुत ही कमाल की है। इसकी ओपनिंग में आपको एक फ्रेश सिट्रेसी एरोमेटिक सी खुशबू आती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही फ्रेश स्पाइसी खुशबू है, फ्रूटी खुशबू है, लेवेंडर की खुशबू है, स्वीट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, उसी कैटेगरी में आता है लेकिन एक वुडी खुशबू है और बहुत ही रिच खुशबू है, एक रिच परफ्यूम की कैटेगरी में आता है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मैं बात करूँ इसके नोट्स की तो ये रहे इसके टॉप नोट्स, मिडल नोट्स एंड बेस नोट्स, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन की। तो गाइस, इससे आपको 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी स्किन पे मिल जाती है, कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो और भी लंबा चलता है। और अगर हम बात करें इसके प्रोजेक्शन की तो अराउंड 1.5 से 2 घंटे का प्रोजेक्शन इससे आपको मिल जाता है। तो ये एक एवरेज परफॉर्मर है लेकिन बहुत ही अच्छा सिलाज क्रिएट करता है, आप जब भी मूव करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि आपने कोई महंगा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और इससे आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेंगे। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, काम का लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक रेकमेंड करेगा। तो अब बात करते हैं कि आप इसे कौन से सीजन में लगा सकते हैं। तो गाइस, आप इसे हल्की ठंडी हल्की गर्मी में लगा सकते हैं, ऑटम के सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसे बहुत ज्यादा कड़क ठंडी या स्नोफॉल वाले एरिया में नहीं लगाना और बहुत ज्यादा गर्मी वाले एरिया में नहीं लगाना। और अगर हम बात करें कि आप इसे कौन से टाइम पे लगा सकते हैं तो गाइस, आप इसे मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम या नाइट टाइम पे लगा सकते हैं, बस आपको इसे दोपहर के टाइम थोड़ा अवॉइड करना है। और अगर हम बात करें आप इसे कहां कहां लगा के जा सकते हैं तो गाइस, आप इसे पार्टी, फंक्शन या किसी स्पेशल ओकेजन जैसे कि शादी या रिसेप्शन हो गया, इन सभी जगह पे लगा के जा सकते हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। और इसे आप अपनी मॉर्निंग और इवनिंग डेट्स पे भी लगा के जा सकते हैं, और अगर आपकी एज 20 से 28 साल के अंदर है तो आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे, इसकी खुशबू आपको जरूर पसंद आएगी। सो गाइस, दिस इज माय ऑनेस्ट रिव्यू आफ्टर यूजिंग दिस परफ्यूम। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल और फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग परफ्यूम से रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए ऑल इन वन अड्डा।